हमने अपने आका अपने सरदार सैयदना हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत शान और सीरत तैयबा के हवाले से आज गुफ्तगू करनी है। हबशा के एक खानदान से ताल्लुक था, रंग जाहिरी तौर पर काला था, खून मोटे थे, आंखें लाल सुर्ख थी, कभी जुस्सा थे, जुबान में कोतलापन था, शीन की जगह पे सीन बोला करते थे। गुलामों में सबसे पहले कलमा आपने पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले तौहीद और रिसालत की शहादत और गवाही देकर पूरी कायनात के गुलामों का सर फखर से आपने बुलंद कर इश्क़ो मोहब्बत में इस कदर अपने आप को गर्व कर लिया कि आपका इश्क आपकी मोहब्बत कायनात में जरूर मिस्र बन गया। साढ़े 1400 साल हो गए हर मेहराब और मिंबर में सैयदना बिलाल के तस्करे होते चले आ रहे हैं और ये तार कयामत होते रहे। ऐसा अजीब इत्तेफाक, नबी अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरी 63 साल की उम्र हुआ है, आपके यार बार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 63 साल की उम्र, सिद्दीक अकबर ने जिस बिलाल को खरीद कर इस्लाम के लिए आजाद किया उस बिलाल की उम्र भी 63 साल। एक दिन का एक रात का भी फर्क नहीं आया, यानी फनाफिर रसूल के मकाम पर सिद्दीक अकबर फायज थे, फनाफिर रसूल के मकाम पर उनके आजाद करदा गुलाम हजरत बिलाल फायज। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेशुमार सहाबे किराम और ताबीन ने अहादीस को सुना और आगे बयान किया। ये आपको आपकी सीरत तैयबा को हम 3 हिस्सों में तकसीम किया करते हैं। नंबर 1 मुसद्दिक़ के अव्वल रसूल के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत की गुलामों में सबसे पहले तस्दीक करने वाले आप। नंबर 2 मुनबादे में पहले खुदा और नंबर 3 मुनबादे में पहले रसूल। अल्लाह के घर मस्जिद नबवी खाना काबा के नाजे में आला भी बिलाल हैं और नबी के घर के नाजे में आला।
के हाथ में
और फिर
जो भी कर रहे होते हैं दुनिया में वो भी कर रहे हैं, हंसी मजाक भी हो रहा हो। और वुजू करके आते हैं तो दो रकात नमाज तहियतुल वुजू के नहीं पढ़ते, तहियतुल मस्जिद के दो रकात नमाज नफिल नहीं पढ़ते, यहां तक के सुन्नत भी नहीं पढ़ते। सुन्नत गैर पढ़ना तो सौ में से नहीं हजारों में से कोई एक या दो पढ़ते होंगे, वरना दो पढ़ते। उमैया बिन खल्फ के गुलाम गुलामी का दौर था, इंसानों को पकड़ा जाता था, बाजारों में खरीदा जाता था, बेचा जाता, इन्हें भी बेचा गया। जिसे खरीदा वो इस्लाम का पक्का दुश्मन अबू जहल का लंगोटिया यार उमैया बिन खल्फ, ये घराना भी बड़ा अजीब बदकिस्मत रहा। इसका एक भाई था उमैया बिन खल्फ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी का कत्ल नहीं किया, आपके हाथों से एक शख्स कत्ल हुआ, उमैया का भाई उमैया बिन खल्फ रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों कत्ल हुआ। ये उमैया आता है बिलाल गुलाम है और ड्यूटी है बकरियां चराने, बकरियों का रेवा ले जाता है पहाड़ों की तरफ और चरा कर शाम को वापस ले आता। एक दिन तकदीर इसको घेर कर हारे हिला के तरफ ले आए। उस दिन तारे हिराम में नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद। अचानक बिलाल के कानों में आवाज, ऐ चरवाहे। अब बिलाल इधर उधर देखा, हेरा वहां ऐ चरवाहे, बड़ी मीठी आवाज थी, नबूवत की आवाज। बिलाल ने कहा इस बात के अंदर से आवाज। बिलाल बाहर के दहाने पर पहुंचे तो आगे बढ़ा नीचे सैयद आमना के लाल ने फरमाया, अरे चरवाहे क्या तुम अपनी बकरियों में से किसी बकरी का दूध दोकर हमें पीने के लिए दे सकते हो? बड़े तमीन से के बाद पहली बार किसी ने नरमी के साथ गुफ्तगु फरमाई। आका तो बड़ा जालिम था, कोड़े मारता था, खिड़कियां देता था, गालियां बकता था, गुलामों के साथ कोई इज्जत से पेश नहीं आता था। आज पहली बार इतनी मोहब्बत से, इतनी नरमी से, इतनी शफ़क़त से, इतनी अपनाइयत से, इतनी शनासाई से किसी ने आवाज दी। लेकिन आपके बातों में गुफ्तगू में लहजे में इतना खलूस प्यार मिठास शीरीनी हलावत है कि दिल चाहता है मैं कुर्बान हो जाऊं। लेकिन आज मेरी बदनसीबी है कि मेरे देवर में इस वक्त कोई बकरी ऐसी नहीं जो दूध देना शुरू कर दे। रहमतुल आलमीन ने फरमाया, ऐ चरवाहे अगर तुम इजाजत दो तो ये जो मेरे सामने खड़ी है हम खुद ही कोशिश करके देख लेते कि शायद ये दूध दे दे। हजरत बिलाल ने कहा, ये कैसे मुमकिन है कि दूध ना देने वाली बकरी दूध दे दे? मेरे प्यारे करीम मुस्कराए, वो मुस्करा के कह रही थी, बिलाल की दादा देना तेरा काम, दूध देना तो मेरे अल्लाह का काम। तेरा काम तो इजाजत है, तेरा काम तो इजाजत देना, दूध देना भी दूध देना मेरे अल्लाह।
आई कि पूरा महीना ना बिलाल ने कुछ खाया ना मैंने कुछ खाया सिवाय खास के पत्तों के दरख्तों के पत्तों के खास के अलावा हमारे पास कुछ नहीं। एक दिन बिलाल को बाहर लेता कोरे मारे जा रहे और बिलाल को जब मारने वाले मारते थे तो बिलाल की जुबान से निकलता आहत आहत अल्लाह एक सिदी के पल के अल्लाह ताला आंखों का जानक वहां से गुजर हुए जाना सुए जाना हकीकी की खुशबू आना शुरू हुआ। ये तो खुशबू मेरे महबूब की है। फरमाया जब मैं बुलंदी से नीचे उतरा तो क्या देखा उमैया और उसके साथ ही बिलाल पर जुल्म और तशद्दुद का। उमैया कह रहा है बिलाल अगर अपनी जान प्यारी है तो कहो बिलाल उस वक्त फरमा रहे थे अरे मैं मजबूर हूं
उतर जाता है फिर बाहर नहीं निकलता। Bye.
समंदर भी बड़ा दीप नहीं था। साहब बैठे काली कमी वाले तशीब मां अबू बकर बिलाल को लेकर आए। मेरे नबी ने देखा तो आंखें बरसना शुरू हो गई। अपने गुलाम से बाकी किसी को ताकत की इजाजत नहीं मिली काबे
दो गुलाम जा रहे हैं, एक गुलाम जा रहे हैं, एक गुलाम इब्ने गुलाम हजरत सैयद, इनको अल्लाह के नबी ने अपना मुंह बोला बेटा बनाया था, उनका बेटा उसामा, सुभान अल्लाह, गुलाम इब्ने गुलाम। और इबादत करके अल्लाह के घर में फारे होकर जब अल्लाह के नबी बाहर आए तो लोगों को इजाजत मिली अब तुम भी चले जाओ, तो वहां पर भीड़ लगी, दौड़े लग। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं सबसे पहले तिब्त दाखिल हुआ मैं था, जवान था, दौड़ के मैं सबसे पहले दाखिल हुआ। अब दरवाजे के अंदर मैंने देखा तो बिलाल पीछे छुप के खड़े थे, मैंने कहा बिलाल जब ये बता था कि नबी ने नमाज कहां पढ़ी, उन्होंने इशारा किया, मैंने वहां जाकर ये कहा सुभान अल्लाह कि ये जगह पे मेरे महबूब रसूल ने माथा टेका था, उसी जगह पे माथा टेका। हजरत अब्दुल्लाह कह रहे मुझे सारे लिए अफसोस रहा, मैंने बिलाल से इतना तो पूछ लिया कि कौन सी जगह पे अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी, लेकिन मैं ये पूछना भूल गया कि मेरे नबी ने कितनी रकातें पढ़ी ताकि मैं दूसरी रकातें पढ़ सकूं। आंसू से दामन दर हो गए, जमीन दर हो गई, अमीर
نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ اذان دیتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا چہرہ صاف. آج کیسے اذان پڑھتے ہیں؟ المومنین کا حکم تھا اذان پڑھیں. ایک بار حسنین کریمین کے حکم پر آپ نے مسجد نبی شریف کے چھت پہ اذان پڑھی. پورا مدینہ امان رہا ہے پورا مدینہ. اور جب بچوں کو گود میں لے کر ہم اسے باہر نکل آئی بچے ماؤں سے پوچھتے تھے اما جان بتائیے رسول اللہ کا مسئلہ کیا اذان پڑھ رہا ہے اور بتائیے اللہ کے نبی کب تشریف لائے. چیخیں نکل گئی. نبی علیہ السلام دنیا سے گئے جو غم کا سما قیامت کا سما اس پر تھا آج اسی کی ایک نبیل اس وقت پیش آئی جب پورا مدینہ رو رہا تھا اور حضرت بلال اذان پڑھ رہے مکے میں اذان بلال بیت المقدس میں اذان بلال مسجد نبوی شریف میں اذان بلال. ایک دن آخری بات کسی نے کہہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت آواز والے اذان دینے والے قاری موجود ہیں بلال اذان پڑھتا ہے تو سیپ کی جگہ سیپ بول دیتا. آپ نے فرمایا اچھا تمہاری خوشی اسی میں تو کسی اور سے کہے تو کل صبح کی اذان ہو. اب بلال کو پتہ چل گیا. بلال اپنے حجرے میں آیا دروازہ بند تاریخ اندھیرا سجدہ ریز ہو گیا. سپریم کورٹ میں حجم کی اپیل اللہ کی عدالت میں بلال رو رہا ہے اپیل دائر کر رہا ہے رحم کی اپیل اور رحم کی اپیل کے الفاظ کو تصر حضرت بلال اگر نہیں آئی لا العالمین یا آدم بدل دے یا سبحان بدل دے. کوئی تیسرا اللہ نہیں بولا. ساری رات ایک ہی جملہ. صحابہ کہتے ہیں کہ رات لمبی ہوگی کرنے لے لے کے سو سو کے اٹھ بیٹھے تھک رہے رات ہی نہیں جائے. آخر در تنگ آ کے لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے. ایک جمع کا پیر جمع ہو گیا کہ اللہ نے نبی کی بارگاہ میں چلے کیا ماجرا ہے کہ قیامت تو نہیں آ رہی اتنی رات لمبی. جب وہ چلے تو میرے اسلام کی بارگاہ میں آنے کے لیے تو اللہ کے نبی کو رب کا پیغام ملا جبرائیل. اللہ رب فرماتے جب تک بلال راضی نہیں ہوگا میں نے صبح نہیں ہونے دیا. سرکار نے اللہ کا حکم سنا کرتا بھی زیب تنگ نہ فرمایا صرف چادر اوپر بھی کشان نبوہ سے پایا تھا. فرمایا میرے صحابہ پریشان مت ہو اللہ کا حکم ہے کہ بلال یہ اذان پڑے گا تو صبح ہوگی جاؤ بلال کو راضی کر کے لاؤ. ارے ٹھہرو ٹھہرو ہم خود جاتے بلال کو لے دیں. آگے آگے کاری کملی والے پیچھے صحابہ بلال کے حجرے پر آ کر دستک دی گئی. حضرت بلال سجدے میں سر رات کا آخری پہرا اللہ آپ کی تربت پاک پر رحمت